ग्राम जग्गाखेड़ी में सरपंच पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवार जनसंपर्क के दौरान जनता से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। चुनावी जनसंपर्क में प्रत्याशी अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और समुदाय की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत कर रहे हैं। वे ग्रामीणों से वादा कर रहे हैं कि अगर वे जीतते हैं तो गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ ही वे ग्राम पंचायत के विकास के लिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने का भी आश्वासन दे रहे हैं। इन दावों का असर ग्रामीणों पर विभिन्न रूपों में हो सकता है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे हैं कि जीतने वाले सरपंच उनके लिए वास्तविक बदलाव लाएंगे और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। चुनावी प्रचार के दौरान उम्मीदवार ये भी दावा कर सकते हैं कि ये वे वर्तमान समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे, जिससे गांव के लोग अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए उत्साहित होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्राम जग्गाखेड़ी की जनता किसे अपना सरपंच उम्मीदवार के रूप में चुनती है। चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारों के दावों, उनकी योजनाओं और उनकी क्षमता के आधार पर जनता अपना निर्णय लेती है। यदि उम्मीदवार जनता की वास्तविक समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने का विश्वास दिलाता है, ये जनता का विश्वास और उम्मीदवार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा कि कौन जीतता है और ग्राम जग्गाखेड़ी में किसे सरपंच पद का जिम्मा सौंपा जाता है। जनता का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे द्वारा गाँव की स्कूल की बाउंड्री है, स्ट्रीट लाइट है, गाँव में जल की सुविधा के लिए, इसलिए हम जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है हमको और आगे भी मिलता रहेगा। पारदी बस्ती है, वहाँ पे भी सड़क का हो है, सड़क निर्माण का है, तो वो भी करवा के देंगे। मकान वगैरह प्रधान निराकरण होगा।